इमेजिन करो कि तुम मुंबई से बैंगलोर वहां का फेमस डोसा ट्राई करने जाते हो और तुम्हें वो पसंद भी आता है। बट देन अ बैंगलोर लोकलाइट सेज ओवररेटेड, उसे रामेश्वरम का डोसा पसंद नहीं आया। आई वाज शॉक्ड टू नो कि अगर कोई चीज सबको पसंद आ रही है तो उसे वो पसंद क्यों नहीं। आज मैं ना बस कंफर्टेबली बैठ के तुम लोगों के साथ अपनी लाइफ की कुछ ऐसी स्टोरी शेयर करूंगी जहां पे मुझे अपने करियर रिलेटेड डिफिकल्ट डिसीजंस लेने की जरूरत पड़ी थी, तो उस मोमेंट पे मैंने क्या सोच के वो डिसीजंस लिए, कौन से सही थे कौन से गलत, वो सब मैं इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला डिसीजन था कि 10th के बाद मुझे साइंस कॉमर्स या आर्ट्स में से कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए। अब थोड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था, बट जब मार्कशीट आई तो मुझे क्लैरिटी मिल गई कि साइंस तो हमसे ना हो पाएगा, इसलिए मैंने कॉमर्स चूज किया। अब 12th के बाद मुझे चूज करना था कि मैं प्लेन बीकॉम करूं, बीकॉम ऑनर्स करूं या बीएमएस करूं। थोड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था क्योंकि इस पे मेरा फ्यूचर डिपेंडेंट है, तो मैंने रिलेटिव्स को फोन लगाया, दोस्तों से पूछा, थोड़ी खुद की रिसर्च की। फिर मम्मी पापा ने बोला कि बीकॉम इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस कर ले, क्योंकि फाइनेंस मतलब पैसा और पैसा मतलब कंफर्टेबल लाइफ। तो मैंने फिर बैफ चूज कर लिया। अब ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर तक तो सब बढ़िया चल रहा था, किसी भी बात की टेंशन नहीं थी। कॉलेज के फेस्ट में पार्ट लो, दोस्त बनाओ, क्लासेस बंक करो, मूवी देखने जाओ और कभी कभी थोड़ा पढ़ाई भी कर लो। बट जैसे ही थर्ड ईयर का फाइनल सेम आया तब मुझे थोड़ी टेंशन होने लग गई, क्योंकि नाउ आई एम एन अडल्ट। अब मेरे को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्टेप इन करना था, घर वालों से पैसे नहीं मांगने थे, उन्हें पैसे कमा कर देने थे, और मैंने जितने भी दोस्त ग्रेजुएशन के टाइम पे बनाए थे वो सब छूट जाते। आई वोंट बी अ स्टूडेंट एनी मोर, मैं किसी एक कंपनी में फाइनेंशियल एनालिस्ट होती। तो इस डर की वजह से मैंने MBA इन फाइनेंस कर लिया, क्योंकि आई वॉन्टेड टू स्टे अ स्टूडेंट। ऑल दो मुझे पढ़ाई करना इतना पसंद नहीं था, बट फिर से 2 साल तक कॉलेज के फेस्ट में पार्ट लिया, दोस्त बनाए, क्लासेस बंक किए, मूवी देखने गए एंड कभी कभी थोड़ी पढ़ाई भी कर ली। बट 2 साल खत्म हो गए एंड प्लेसमेंट्स का टाइम आया, तो मेरे फ्रेंड्स जिस भी कंपनी के प्लेसमेंट में बैठते थे मैं भी सेम इंटरव्यू देती थी। एंड अगर आपने लक्ष्य मूवी देखी है तो उसमें ऋतिक रोशन के साथ भी ऐसे ही होता था कि उसके फ्रेंड की तो सिलेक्शन नहीं होती थी आर्मी में, बट ऋतिक रोशन सिलेक्ट हो जाता था। क्या बात कर रहा है यार, तेरी वजह से तो मैंने अप्लाई किया था। ये बात नहीं है, मुझे डैड ने समझाया अगर मैं किसी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से MBA कर लेता हूँ तो जॉब तो मुझे अगले दिन ही मिल जाएगा वहीं अमेरिका में। कमाल है, अब तो अमेरिका जा रहा है, मैं आदमी अकेला क्या करूंगा। और मेरे केस में भी वही हुआ, इस कहानी की ऋतिक रोशन मैं हूँ। मेरे किसी भी फ्रेंड का TCS में सिलेक्शन नहीं हुआ और मुझे सिलेक्ट कर लिया गया था, एंड माय रिएक्शन वाज लाइक मेरी सिलेक्शन हो गई है। सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन TCS एज SAP फाइनेंशियल कंसल्टेंट। अब यहाँ मेरी स्टोरी खत्म हुई। नाउ इफ यू लुक एट दिस तो तुम्हें रियलाइज होगा कि मैंने मेरी लाइफ में कोई भी डिसीजन लॉजिकली तो लिया ही नहीं था, या तो रिलेटिव से पूछ के, या तो फैमिली प्रेशर में, या तो इमोशंस में आगे अपनी लाइफ के डिसीजंस लिए। ये सिर्फ एक ही डिसीजन था जो मैंने खुद से लिया, विच वॉज टू लीव माय फुल टाइम जॉब एंड परस्यू कंटेंट क्रिएशन। ये मेरी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट डिसीजन था। मेरे पास एक बढ़िया सी कंपनी में नौकरी थी, बढ़िया सैलरी थी, ऑफ साइड डेनमार्क जाने के चांसेस थे, ग्रोथ रेट भी काफ़ी हाई था, बट ये सब कुछ छोड़ के मैंने एक ऐसा फील्ड चूज किया जिसमें मेरी जो ग्रोथ है वो एक प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम पे डिपेंडेंट है। अगर बर्ड्स आई व्यू से देखोगे तो तुम्हें लगा कि ये कितना स्टूपिड डिसीजन है, बट स्टिल आई चोज अनस्टेबल करियर रादर देन 9 to 5। व्हाई? अलाउ मी टू एक्सप्लेन। हम यूजुअली अपने डिसीजंस किसी ट्रस्टेड सोर्स जैसे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स या टीचर्स के कहने पर लेते हैं, जो कि हमें उस टाइम पे एक राइट डिसीजन लगता है, एंड हम एक के बाद एक दूसरों का सुनकर अपने लिए डिसीजंस लेते रहते हैं। दिस इज व्हाट आई कॉल व्हाट द हेल इफेक्ट, क्योंकि लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है वेयर वी से व्हाट द हेल, मैंने कोई डिसीजन खुद से कभी लिया ही नहीं। जैसे अगर जॉब छोड़ने से पहले मैं किसी से पूछती कि मुझे जॉब छोड़नी चाहिए कि नहीं तो सब मना ही करते, और शायद आज मैं डेनमार्क में होती एंड वो डिसीजन मुझे सही भी लगता, बट कुछ टाइम बाद जाके मुझे रियलाइज होता कि वो डिसीजन मेरे लिए गलत था, क्योंकि फिर आज मैं ये वीडियो नहीं बना रही होती। तो जॉब छोड़कर कंटेंट क्रिएशन परस्यू करने का डिसीजन मैंने काफी सोच समझ कर एक प्रोसेस फॉलो करके लिया। मैंने अपने लिए एक डिसीजन मॉडल बनाया जिसमें मैंने 3 चीजों पर फोकस किया। उसमें से सबसे पहला था टू फिगर आउट। मेरे पास जितने ऑप्शंस थे उसे मैंने सारे नोट डाउन कर लिए विद इट्स प्रोज एंड कॉन्स, सो दैट मुझे थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। एंड मेरे पास 2 ही ऑप्शंस थे, या तो मैं जॉब करती या तो मैं कंटेंट क्रिएशन परस्यू करती।
एंड इन दोनों के मेजर कॉन्स थे कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मैं उसे रीजॉइन नहीं कर सकती थी एज पर कंपनीज रूल, एंड अगर मैं कंटेंट परस्यू करूंगी तो मुझे कम से कम भी 2-3 साल तक फ्री में कंटेंट बनाना पड़ेगा. देन आई आस्क्ड मायसेल्फ सम डीप क्वेश्चंस. व्हाट डू आई रियली वांट टू डू, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, मुझे कौन से स्किल्स रिक्वायर होंगे ताकि कि मैं कंटेंट क्रिएशन में सर्वाइव कर सकूं, क्या मुझे सच में जॉब छोड़ देनी चाहिए और क्या करियर ऑप्शंस हैं मेरे पास. ऐसे बहुत सारे डीप सवाल मैंने खुद से पूछे, कुछ के आंसर्स मिले, कुछ ने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया. देन आई डिसाइडेड टू टॉक टू एन एक्सपर्ट फ्रॉम दैट फील्ड. मैंने कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को रीच आउट किया इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे जिनकी स्टोरी मेरी स्टोरी से काफ़ी सिमिलर सी थी, जिन्होंने फुल टाइम जॉब छोड़ के कंटेंट क्रिएशन परस्यू करना शुरू किया था. तो उनसे कुछ सजेशंस लिए एंड उसके बाद आई रिसर्च्ड मायसेल्फ अबाउट दैट फील्ड. आर्टिकल्स पढ़े, यूट्यूब पे वीडियोज देखे, कॉन्टेंट इंडस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश की क्योंकि आई वॉज कम्प्लीटली न्यू फॉर दैट इंडस्ट्री. मैंने फाइनेंस में काम कर रखा है, मीडिया इंडस्ट्री बहुत ही नई है मेरे लिए, तो उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन जितनी नॉलेज मैं गेन कर सकती थी उतनी की. एंड नाउ आई वॉज रेडी फॉर द सेकेंड स्टेज विच वॉज टू सिलेक्ट. अब स्टेज वन के डेटा के अकॉर्डिंग मुझे दो ऑप्शन में से किसी एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना था, एंड अगर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन होते तो आई वुड हैव एलिमिनेटेड द कम्प्लीट नो नो ऑप्शन फॉर मी. बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं था तो मैंने प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट कंसिडर की एंड आई स्टार्टेड टिकिंग बिसाइड्स एवरी कॉन दैट आई वॉज ओके विद. एंड एंड में जिस भी फील्ड के टिक्स सबसे ज्यादा थे मैंने वो ऑप्शन कंसिडर किया, क्योंकि किसी भी फील्ड के सिर्फ पॉजिटिव्स को देख के उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, उसके नेगेटिव्स को भी मुझे कम्प्लीटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा. एंड देन कम्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सिलेक्शन विच इज टू लिसन टू योर इनर वॉइस. मुझे क्या करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी. इसके कंक्लूजन पे जंप करने से पहले मैंने थोड़ा टाइम दिया खुद को, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव क्वेश्चन था ये, एंड थोड़ा टाइम खुद को एनालाइज करने के बाद आई रियलाइज्ड कि मुझे कंटेंट क्रिएशन ही परस्यू करना है. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर हमें लगता है ना कि हम कुछ कर सकते हैं तो हम वो कर सकते हैं, इवन इफ हमारी फैमिली या रिलेटिव्स हमें कोई और फील्ड परस्यू करने के लिए बोल रहे हो. तो वो जो इनर वॉइस होती है ना वो यूजुअली सच ही होती है, बस उसे सपोर्ट करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन चाहिए होता है, विच इज़ आवर स्टेज 3, दैट इज़ टू टेक एक्शन. अब कंटेंट क्रिएशन वाली फील्ड तो सिलेक्ट कर ली, बट रोड मैप क्या है, एग्जीक्यूट कैसे करना है ये काम. तो उसके लिए मैंने सोचा था कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन तो एक ऐसी फील्ड है जिसे साइड बाय साइड भी किया जा सकता है. तो मैं खुद को 6 महीने का टाइम दूंगी ये देखने के लिए कि क्या सच में मुझे कंटेंट क्रिएट करना पसंद है, या मेरे आसपास के लोग कर रहे हैं इसलिए कर रही हूँ, या क्या सच में वो फील्ड के लिए मैं बनी हूँ कि नहीं. एक बार वो फिगर आउट हो गया उसके बाद मैं जॉब तब जाके छोड़ूंगी जब मैं कंटेंट क्रिएशन से इक्वल या थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दूंगी. मैंने 6 महीने के ट्रायल पीरियड को भी ना ब्रेक डाउन कर दिया था इन 3 सेक्शंस. सबसे पहला था कि इस काम के लिए मैं टाइम कैसे मैनेज करूंगी, सो आई डिसाइडेड कि मैं वीकेंड्स पे काम करूंगी. फिर मुझे कुछ नई स्किल्स सीखने की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर सकूं. लास्टली आई डिसाइडेड कि मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे फोकस करूंगी एंड देन एक्सपैंड करने के बारे में सोचेंगे. उसके बाद इंस्टाग्राम कंटेंट को भी ब्रेक डाउन किया था अबाउट व्हेन टू पोस्ट, स्क्रिप्ट, शूट, एडिट एक्सेट्रा. हमें इस स्टेज में एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं जाना है, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है इन मेकिंग द प्लान ऑफ एक्शन, वो डायरेक्ट टू द पॉइंट होना चाहिए सो दैट हम तुरंत एक्शन ले सके. मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस टाइम पे काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कंसिस्टेंट थी एज कम्पेयर टू नाउ. बट एनीवेज द लास्ट थिंग इन दिस स्टेज इज टू हैव अ प्लान बी. अगर 6 महीने बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कंटेंट इतना पसंद नहीं है या ये फील्ड मेरे लिए नहीं बनी तो मैं क्या करूंगी. अगर चलो मैंने कंटेंट से पैसे कमाने भी शुरू कर दिए और जॉब भी छोड़ दी, बट आगे जाके कोई सोशल मीडिया ऐप बैन हो गई तो मैं क्या करूंगी. तो उसके लिए मेरा प्लान बी था कि मैं यही स्किल्स जो मैंने सीखी हैं उनके बेसिस पे मैं क्लाइंट्स के लिए फ्रीलांस कर लूंगी, या फिर अगर वो भी काम नहीं आया तो मैं वापस से अपनी जॉब ज्वाइन कर लूंगी लो सैलरी पे, एंड देन वापस से मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि मुझे लाइफ में करना क्या है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था. इसलिए मैंने अपने प्लान ए पे ही पूरा फोकस किया, उस पर मेहनत की, एंड वी आर वेरी क्लोज टू 300K सब्सक्राइबर्स टुडे. गुड जॉब दृष्टि. अब ये जो मॉडल है वो मैंने अपने पास्ट के एक पर्टिकुलर डिसीजन को एज एन एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश की है, बट आप इस मॉडल को अपने लाइफ के करंट सिचुएशन पे थोड़ा ट्वीक करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हो अगर आपको इसके बेसिक्स क्लियर हुए तो, विच आई एम होपिंग कि क्लियर हो गए होंगे. बट ऑफ कोर्स दिस इज लाइफ, जैसे कभी कभी सोचा है वैसे नहीं होता है, कुछ और ही हो जाता है, जितना प्लान किया सब बेकार चला जाता है, एंड इट्स ओके. समटाइम्स यू मेक द राइट डिसीजंस एंड समटाइम्स यू मेक द डिसीजंस राइट, बट एटलीस्ट ये एनालाइज करके डिसीजन मॉडल बना के आप अंदर से कॉन्फिडेंट जरूर फील करोगे, क्योंकि आपके पास कई सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी होंगे, आपको पूरा प्लान ऑफ एक्शन पता होगा. तो अगर फ्यूचर में भी, लेट्स से मुझे भी अगर कोई डिसीजन लेना हो
तो मेरे पास ये बेस तैयार रहेगा एंड मैं कोई भी डिसीजन या कोई भी निष्कर्ष तक आसानी से पहुंच पाऊंगी. निष्कर्ष, गुड वर्ड. ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर कोई चीज सब लोग रिकमेंड कर रहे हो या अगर कोई चीज सबको पसंद आ रही हो तो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी सूटेबल हो. बिल्कुल रामेश्वरम के डोसा जैसे, अगर मैंने आपको कुछ रिकमेंड किया है तो वो आपके लिए राइट फिट है कि नहीं, ये आप ही कोई ट्राई करके बताना पड़ेगा. वो डोसा आपको खुद टेस्ट करके तब डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आपको वो पसंद आया कि नहीं, या क्या आपके लिए वो राइट फिट था कि नहीं. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत मजा आया. अगर आपको पसंद आया देन डू हिट द लाइक बटन. मुझे कॉमेंट करके अपना टेक अवे जरूर बताओ कि तुमने इस वीडियो से क्या सीखा. कॉमेंट करोगे तो तुम्हें याद रहेगा, लिखने से याद रहती हैं चीज़ें. एंड आई रिप्लाई टू एवरी सिंगल कॉमेंट, इवन इफ यू कॉमेंट आफ्टर 3-4 ईयर्स. ऑल्सो ये वीडियो को शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जो डिसीजन लेने में थोड़ा कन्फ्यूज है, जैसे करियर रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो. एंड एज आई सेड कि हम बहुत क्लोज हैं 300K सब्सक्राइबर्स के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो. स्टे ट्यून्ड, सी यू सून.